ना गलेगा और सालों चलेगा। जी हाँ, आपका आधार कार्ड अब कुछ ऐसा ही होगा, बिल्कुल आपके एटीएम कार्ड के जैसा, जो ना मुड़ेगा और ना खराब होगा। आपका नया आधार अब पीवीसी कार्ड होगा। आज के वक्त में बिना आधार सब बेकार, मगर आधार कार्ड को संभालना भी एक सिरदर्द होता है। तो आप भी अपने आधार को बिल्कुल आपके एटीएम कार्ड के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI अब आधार कार्ड का पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी कार्ड जारी कर रहा है। ये बिल्कुल आपके एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के जैसा होगा, जिसे आप आसानी से अपने वॉलेट में भी कैरी कर सकेंगे। नए पीवीसी कार्ड की प्रिंटिंग और लेमिनेशन की क्वालिटी काफी बेहतर है, ये सालों साल चलेगा। इसके अलावा इस नए पीवीसी आधार कार्ड से QR कोड के जरिए कार्ड की सत्यता भी पुष्ट हो पाएगी। सिक्योरिटी के लिए इस नए कार्ड में एक होलोग्राम, ग्लोस पैटर्न, घोस्ट इमेज, माइक्रो टेक्स्ट और QR कोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि ये पीवीसी आधार कार्ड आपको मिलेगा कैसे? तो तरीका बेहद ही आसान है और आप घर बैठे इसे अपने पास मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट resident.uidai.gov.in पर। वेबसाइट पर जब आप माई आधार सेक्शन पर कर्सर रखेंगे तो एक ड्रॉप मेन्यू दिखाई देगा। इसमें गेट आधार के टैब ऑप्शन के तहत ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पर क्लिक कीजिए। अपना 12 अंकों का आधार नंबर या 16 अंकों की वर्चुअल आईडी या फिर 28 अंकों की eID के साथ सिक्योरिटी कोड बॉक्स में भरकर सेंड OTP पर क्लिक करिए। आधार से लिंक्ड मोबाइल पर अब एक OTP आएगा, जिसे बॉक्स में भरना होगा। अगले पेज पर पेमेंट का विकल्प आएगा, उस पर क्लिक करें। कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर UPI के जरिए ₹50 का पेमेंट करें। पेमेंट के बाद आपकी सूचना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर पहुंच जाएगी और कुछ ही दिनों में आधार कार्ड पर दिए गए पते पर आपका ये पीवीसी कार्ड वाला आधार डाक द्वारा पहुंच जाएगा। तो तैयार हो जाइए अपने नए पीवीसी आधार कार्ड को मंगवाने के लिए।